गाइस तो कैसे आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक एमएम पर एक बार फिर से। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो रहने वाली है। आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव और साथ में गाइड वीडियो रहने वाली है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी सारे पीसी कंपोनेंट रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आप एक पीसी बिल्ड करने वाली है जो की रहने वाली है दोस्तों यहाँ पर इंटेल के लेटेस्ट 12th जेन डेस्कटॉप प्रोसेसर के ऊपर। तो ये जो प्रोसेसर है बहुत ही अल्टीमेट प्रोसेसर है। ये जो प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से बिल्कुल लेटेस्ट है और यहाँ पर इसे टैग किया गया है वर्ल्ड के बेस्ट गेमिंग प्रोसेसर के रूप में, जो आपको देता है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाली गेमिंग। तो आपको गेमिंग तो अच्छी देखने को मिलेगी ही, साथ में मल्टीटास्किंग भी आपकी कमाल की होने वाली है। यानी कि ऐसा पीसी जिसके अंदर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े। ये पीसी यहाँ पर बेस्ड है इंटेल के परफॉर्मेंस हाइब्रिड आर्किटेक्चर के ऊपर। बहुत ही कमाल का पीसी रहने वाला है ये। तो इसी प्रोसेसर की वजह से आपको यहाँ पर सुपीरियर गेमिंग भी देखने को मिलती है और साथ में यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है किसी भी टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे संभव हो पाया, किस तरीके से ये काम करता है? तो इंटेल ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है हाइब्रिड आर्किटेक्चर, जो कि काफी स्मार्टली यहाँ पर मैच करता है आपकी राइट कोर को राइट वर्कलोड के साथ। तो अगर आप कोई भी गेमिंग कर रहे हैं और कोई भी बैकग्राउंड टास्क जो है साथ में रन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल काफी चैट्स वगैरह होती हैं, काफी ज्यादा ब्राउजर पे आप ब्राउजिंग करते हैं कई बार जब गेम खेलते समय, तो उस समय कोई भी जो आपका टास्क है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट ना हो और साथ में हैवी हैवी टास्क भी आप कर पाएंगे, जैसे कि स्ट्रीमिंग हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, काफी सारे टास्क आप कर सकते हैं बिना अपनी गेम का कोई भी फ्रेम यहां पर स्किप किए हुए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहां पर बता ही चुका हूं कि 12th जेन इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर आपको बेहतरीन गेमिंग एक्सपीरियंस देते हैं। अंदर आपको देखने को मिलती है परफॉर्मेंस स्कोर्स और साथ में एफिशिएंट स्कोर भी, जिसके अंदर तो हमारी मदद करता है इंटेल का एक्सट्रीम ट्यूनिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर पी कोर्स की और साथ में ई कोर्स की। तो मैं इसको एक लाइन में समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मूथ गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजेस। पी कोर्स का मतलब होता है बेस्ट परफॉर्मेंस कोर्स, जो कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर प्रोवाइड करती है, जिसे इंटेल ने यहां पर बिल्डअप किया है। साथ यहां पे आपको देखने को मिलता है आईपीसी यानी कि इंस्ट्रक्शन पर साइकिल, साथ में बेहतरीन क्लॉक स्पीड। जितनी भी हम एडवांस गेम खेलते हैं उसके अंदर हमारा पी कोर्स ही यहां पर वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं ई कोर्स की, जिसका मतलब होता है एफिशिएंट स्कोर, यानी कि ये जो कोर्स होते हैं जो आपका जो बैकग्राउंड टास्क रहते हैं उनको यहां पर हैंडल करता है। ये जो कोर है किसी भी तरह का इंटरप्शन या फिर किसी भी तरह का स्लो डाउन जो है आपके काम के बीच में जो है उसको यहां पर रोक देता है। तो ई कोर यहां पे आपको हेल्प करता है मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को यहां पर रन करने में, जैसे कि डिस्कॉर्ड हो गया, साथ में विंडोज डिफेंडर हो गया, साथ ही हमें इंटेल थ्रेड डायरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो कि इंश्योर करता है कि आपकी जो गेमिंग है वो बिना किसी रुकावट यहां पर चलती रहे। देखा जाए तो हमें यहां पे परफेक्ट बैलेंस मिलता है क्लॉक स्पीड कोर्स एंड थ्रेड्स का। तो दोस्तों डिलीवर करता है इंप्रेसिव एक्सपीरियंस, साथ में हाई परफॉर्मेंस और लो लेटेंसी हर तरह की कॉम्पिटेटिव गेम्स के बीच में। अगर हमें पीसी बिल्ड करना है तो कॉम्पोनेंट के बारे में तो यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट आप यहाँ पर मेरे सामने देख सकते हैं, तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट जो है हम इस धमाकेदार गेमिंग पीसी में यूज करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं यह आरओजी स्ट्रिक्स Z690F गेमिंग वाईफाई मदरबोर्ड। अब दोस्तों बिना ग्राफिक कार्ड की बात किए तो ये वीडियो पूरी हो नहीं सकती। तो इस पीसी बिल्ड के अंदर हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं MSI की तरफ से आने वाला GeForce RTX 3070। बात कर लेते हैं अपने लिक्विड कूलर की। तो ये आता है ROG की तरफ से रीजन सेकंड 360 लिक्विड CPU कूलर। परफॉर्मेंस तो अच्छी देगा ही, साथ में इसके अंदर में काफी ज्यादा कूल डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगी। इसके साथ कोई भी पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर विंडोज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ओरिजिनल विंडोज 11 को। बात कर लेते हैं RGB फैंस की। यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन जो है RGB फैंस का यूज करने वाले हैं, जो कि हमारे पीसी को ठंडा तो रखेंगे ही, काफी अट्रैक्टिव लुक भी जो है हमारे पीसी को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। पीसी बिल्ड करना है तो पावर सप्लाई की जरूरत तो पड़ने ही वाले। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं कोर्सर की तरफ से आने वाली RM750 यहाँ पर फुल्ली मॉड्यूलर ATX पावर सप्लाई को। यहाँ पे जो मैं रैम यूज कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ किंगस्टन की फ्यूरी। दोस्तों ये 16 GB की दो स्टिक है, तो वो भी DDR5। यहाँ पे जो हम SSD यूज करने वाले हैं ये है WD की ब्लैक 1 TB की NVMe ड्राइव, तो जो कि काफी ज्यादा फास्ट है और हमारे पीसी के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। सबसे लास्ट में हम यूज करने वाले हैं अपनी कैबिनेट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे पास ASUS की टफ सीरीज की काफी बढ़िया कैबिनेट, जिसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफी ज्यादा बढ़िया ही है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर में काफी ज्यादा स्पेस भी देखने को मिलता है, तो हमारे जितने भी कंपोनेंट है इजीली इसके अंदर यहाँ पर फिट आ जाएंगे। ऑल ओवर सारी की सारी चीजें यहाँ पर रेडी है, फिर देर किस बात के सारे प्रोडक्ट को निकालते हैं और जल्दी से अपने पीसी को यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारे प्रोसेसर का बॉक्स इंटेल कोर अनलॉक्ड i9। तो चलिए ओपन कर लेते हैं जल्दी से। दोस्तों आपको बता दूं काफी बेहतरीन पैकिंग के अंदर ये आता है और यहाँ पे बेहतरीन एक्सपीरियंस एंड सीमलेस परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाती है इंटेल के 12th जेन इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर में। मैं मानता हूं कि कोई भी क्रिएटर या फिर कोई भी गेमर या फिर कोई भी प्रोफेशनल इसे यूज करेगा तो डेफिनेटली बात है यहां पे हाई क्लास परफॉर्मेंस आपको ये प्रोसेसर यहां पर देने वाला है। चलिए ओपन कर लेते हैं इसको और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये रहा फाइनली हमारा प्रोसेसर। तो काफी अच्छी क्वालिटी की पैकिंग में यहां पर इस प्रोसेसर को भेजा जाता है, जिससे पूरी सिक्योरिटी से ये आपके पास यहां पर पहुंच जाता है। बात करते हैं इसकी मैक्सिमम सिंगल पी कोर टर्बो फ्रीक्वेंसी की, तो ये जाती है अप टू 5.2
5.2 गीगाहर्ट्ज़। यहाँ पे दोस्तों हमें 19% का एवरेज इंक्रीज मिलता है परफॉर्मेंस में अगर हम इसे कंपेयर करते हैं पी कोर को 11 जेन कोर्स के साथ। उसके अंदर हमें 2 गुना ज्यादा बैंडविड्थ देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों ये जो 12 जेन सिस्टम्स है ये इंडस्ट्री को नई ही लेवल पर लेके चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रांजिशन जो मिलती है पीसीआई 5.0 और DDR5 रैम का सपोर्ट मिल जाता है। इट मींस कि फ्यूचर में जो जीपीयूस एंड रैम्स हैं वो आपको यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की स्पीड देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इंटेल आर किलर भी आपको मिल जाता है, वाईफाई 6E टेक्नोलॉजी जो कि मिनिमाइज करती है लैग एंड लेटेंसी को। थंडरबोल्ट 4 का भी आपको इसमें सपोर्ट मिलता है जो कि ईजी कर देता है आपके जितने भी पेरिफेरल्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। तो ये चीज काफी बढ़िया है, आपके जितने भी 4K डिस्प्लेस हैं वो काफी इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी। सारे पार्ट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो चलिए जल्दी से अपने पीसी को यहाँ पर बिल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एसेसिन क्रेड में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे 100 FPS वो भी अल्ट्रा में। विचर 3 की दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 82 FPS के पास हमें मिल रहे थे वो भी अल्ट्रा में। होराइजन के अंदर तो कमाल ही हो गया, 123 FPS तक भी यहाँ पे अल्ट्रा में गेम जो है वो रन हो रही थी। तो रेड डेड रिडेम्पशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 100 FPS को जो है टच कर रही थी गेम, जो की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है किसी भी पीसी के लिए, जो की काफी ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी प्रोसेसर के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे साइबर पंक की, तो साइबर पंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो FPS हमें देखने को मिल रहे थे वो लगभग 100 FPS थे। यहाँ पे जो साइबरपंक है वो भी बहुत ज्यादा कमाल की यहाँ पर चल रही थी। लोग यही सोच रहे होंगे कि इसकी परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा बढ़िया है पर इसकी विजुअल्स क्वालिटी कैसी होगी। आपको बता दूं कि चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई भी प्रोफेशनल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, 12 जेन इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है वो भी बिना किसी रुकावट के। दोस्तों इंटेल के USD ग्राफिक्स से आपको मिलते हैं बेहतरीन विजुअल्स वो भी अप टू 8K रेजोल्यूशन तक, और यहाँ पे HDR को भी सपोर्ट करता है। तो साथ में आपको बिलियंस ऑफ कलर की एश्योरेंस भी मिलती है, और 4 डिस्प्ले को भी यहाँ पर चलाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। ये प्रोसेसर यूज करने के बाद आप पाओगे कि यहाँ पे नॉइस रिडक्शन भी काफी ज्यादा कम हुआ है और बैकग्राउंड जो ब्लरिंग है वो भी काफी ज्यादा वीडियो में कम हो जाती है। सोच रहे होगे कि क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि यस, क्योंकि ग्यूसेन एंड न्यूरल एक्सीलेटर 3.0 GNA से आप ये चीज के मजे भी ले सकते हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी और स्टोरेज की, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पे सोचा ही था, 12 जेन इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर इस चीज के लिए कैपेबल है, क्योंकि हमें मिल रहा है दोस्तों अप टू 20 लेंस, 16 PCIe 5.0 और यहाँ पर 4 PCIe 4.0 वो भी हायर बैंडविड्थ कनेक्शन पॉइंट के साथ। काफी बड़ा कारण है DDR5 रैम का होना भी, जो कि जाती है अप टू 4800 MHz तक। यहाँ पे DDR5 रैम 3 का सपोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंटेल के 12 जेन प्रोसेसर पूरी तरह से फ्यूचर रेडी है। यहाँ पे कोई भी गेम को अगर सेटअप करते हैं DDR5 रैम के साथ तो यहाँ तो आपको हायर बैंडविड्थ लोअर वोल्टेज देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू DDR4 रैम्स। अब बात करते हैं इंटेल की टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0 के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे टर्बो बूस्ट बेसिकली क्या करता है, ये आपको फ्री परफॉर्मेंस बूस्ट प्रोवाइड करता है वो भी अपने प्रोसेसर को बिना ओवरक्लॉक किए। स्मार्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की वजह से ही आपको काफी बढ़िया FPS जो है अपनी गेम्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं, चाहे लोड कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चाहिए ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर निराश नहीं होना पड़ेगा। इंटेल के 12 जेन प्रोसेसर में यहाँ पर इन्होंने यूज की है इंटेल स्मार्ट कैच L3 एंड L2 कैच, जिसकी वजह से दोस्तों में मिलने वाली है यहाँ पर ज्यादा मेमोरी और यहाँ पे काफी ज्यादा कम लेटेंसी, जिससे हमारी गेम तो काफी ज्यादा फास्ट चलेगी ही, साथ में FPS भी काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की, तो दोस्तों एज अ गेमर मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पर 12 जेन इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर काफी बढ़िया गेमिंग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा रहा और साथ ही काफी बढ़िया एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पर देते हैं। और दोस्तों साथ ही में यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, उसमें भी कोई इशू यहाँ पर आपको नहीं आता। और ये मैं कह ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आप बेंचमार्क स्कोर भी देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये प्रोसेसर जो है यहाँ पर परफॉर्म करता है। बैकग्राउंड में चलने वाला कोई भी आपका टास्क जो है वो इंटरप्ट नहीं होता है, आपकी परफॉर्मेंस जो है काफी बढ़िया रहती है, चाहे आप गेमिंग कर रहे हैं या फिर इसके अलावा कोई भी वर्क जो है अपने पीसी के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ
दोस्तों अगर मैं एक लाइन में समझाऊं इस प्रोसेसर के बारे में, तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसको हम कह सकते हैं। प्रोसेसर तो छोटा है पर काम यहाँ पर बहुत ही कमाल के कर देता है। तो ना सिर्फ आप यहाँ पर हैवी गेम्स को बहुत अच्छे तरीके से खेल सकते हैं, बल्कि यहाँ पे जो आपकी मल्टीटास्किंग है, आपके अदर टास्क हैं, वो भी काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। ये थी हमारी यहाँ पर पीसी बिल्ड, जो कि पावर्ड थी यहाँ पर डायनेमिक आर्किटेक्चर ऑफ 12th Gen इंटेल कोर डेस्कटॉप प्रोसेसर। तो आपको ये पीसी बिल्ड कैसी लगी है हमें बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप भी वेट कर रहे थे कि मुझे एक अच्छा सा प्रोसेसर चाहिए, मुझे एक अच्छा सा पीसी बिल्ड करना है, तो मैं किस प्रोसेसर के साथ जाऊं, तो आप यहाँ पर इसे डेफिनेटली बात है कि कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हैं तो इनके लिंक्स जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाकर आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी और भी जो जानकारी है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उसे भी आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों फिर आज की वीडियो खैर यहीं तक थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इस तरह की और वीडियो के लिए, शेयर करें। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।